खेल मैदान बचाने कांग्रेस सड़क पर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खेल मैदान बचाने हो तो ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी कुरबाई के द्वारा बीना चौराहे पर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मामले में कांग्रेस का कहना है कि कुरबाई में खेल का एकमात्र मैदान है जो लगभग 100 वर्ष पूर्व रियासत काल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इस मैदान को सीएम राइज स्कूल के मानचित्र में ले लिया गया है, जिस पर स्कूल के छात्रावास एवं क्वार्टर का निर्माण हो रहा है। मैदान के नष्ट होने से कुरबाई में खेलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और कुरबाई में मैदान नहीं बचेगा तो खिलाड़ी कहाँ खेलेंगे। कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मैदान पर होते आए हैं और नगर और क्षेत्र के सेना और पुलिस की तैयारी भी इसी मैदान पर करते हैं। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर मेजर ध्यानचंद भी इस मैदान पर खेल कर जा चुके हैं। वहीं पूर्व में इसी खेल मैदान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेडियम की घोषणा की थी। किसी कारण बस स्टेडियम के निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन स्टेडियम खत्म जरूर हो रहा है। मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे जिले भर की खेल प्रेमी और खिलाड़ियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। हमारी मांग है कि खेल मैदान को स्कूल के मानचित्र से अलग करके यथावत स्थिति में स्वतंत्र किया जाए। हमारा विरोध स्कूल का नहीं है, स्कूल तो शिक्षा का मंदिर है, वो तो बनना चाहिए, पर मैदान में जो छात्रावास बनना है उसको मैदान पर ना बना करके किसी अन्य जगह बनाया जाए और स्कूल के मानचित्र से मैदान को अलग करके स्वतंत्र ही रखा जाए। कांग्रेसियों ने कहा कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो शीघ्र ही बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या संदर्भ में दिया गया? कांग्रेस पार्टी जो कुरबाई में सीएम राइस स्कूल बन रहा है, कांग्रेस पार्टी सीएम राइस स्कूल का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन स्कूल के साथ जो उन्होंने खेल मैदान को अटैच कर लिया है, हम कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि एक ही खेल मैदान है जो कुरबाई के बच्चों के लिए जो है वो उसमें हॉस्टल आदि बनाने के लिए इन्होंने अटैच किया है। तो हम लोग इसका कुरबाई से लेकर विदिशा तक भोपाल तक इसका विरोध करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि स्कूल के नक्शे से ग्राउंड को अलग कर दिया जाए? हाँ, स्कूल के नक्शे से ग्राउंड को अलग कर दिया।